नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube न्यूज चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। कस्बा जहांगीरपुर के निकट ईट उद्योग पर खड़े दो ट्रैक्टर हाई टेंशन विद्युत लाइन के तार टूटकर गिरने से बुरी तरह झुलस कर क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रैक्टरों की क्षतिपूर्ति एवं जर्जर लाइनों को ठीक कराने की मांग को लेकर लोक शक्ति के सहयोग से ग्रामीणों ने स्थानीय बिजली घर पर धरना दिया। दोनों ट्रैक्टर भट्टा परिसर में खड़े थे, तभी ऊपर गुजरती विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया। तार के करंट से दोनों ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जर्जर विद्युत लाइनों के तार टूटकर गिरने से आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। ये करीबन 6:35 की बात है। अच्छा, हम जी तो भट्टे पे यहाँ बहुत आदमी थे हम। अच्छा, तो जब तार में ऊपर आग लगी तो मैंने उनको सबको यहाँ से भगाया। अच्छा, मैं भागो भाई अपनी जान बचाओ, ट्रैक्टर फैक्टर तो देखी जाएगी सब। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मिनट में तार टूट के गिर गया। अच्छा, और तार टूटते ही इनके टायर वायरों में ट्रैक्टरों में आग चालू है कि फिर हम सब भाग गए यहाँ से। पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस 100 नंबर आई थी, फ़ोन किया था। अच्छा, पुलिस तो करीबन 10 मिनट बाद आ गई। अच्छा, बिजली वालों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आपने किया था? मैंने कम से कम 7 बार कॉल की है जो बिजली का कर्मचारी है यहाँ का। खुर्जा जेवर मार्ग पर जहांगीरपुर में RPS पब्लिक स्कूल के सामने जाते हुए एक ट्रक बोलेरो कार ने पीछे से टक्कर मार दी। यह घटना बीती रात करीब 10 बजे की है। क्षतिग्रस्त गाड़ी में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बताया कि बिजनौर से नोएडा के लिए जा रहे थे, तभी आधे अधूरे रास्ते में ही गाड़ी के ब्रेक फेल होते ही आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी, जिससे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहां के स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्तियों को गाड़ी से बाहर निकालकर उन्हें हॉस्पिटल भेजा। गाड़ी में रखे 1,00,000 रुपए थाना जहांगीरपुर प्रभारी की मौजूदगी में 100 नंबर डायल को सौंप दिए गए। यह घटना खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र की है। जहांगीरपुर से विनय शर्मा की रिपोर्ट जेवर प्रेस के लिए।